गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि विभाग ने वार्षिक परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी है, अर्थात आपकी वार्षिक परीक्षा 27 मार्च से शुरू हो रही है। सेट एग्ज़ाम की तरह ही ये परीक्षा भी अवसर ऐप पर ऑनलाइन करवाई जाएगी। कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। आपके सिलेबस के अनुसार आपकी सहायता के लिए ही मैंने ये सभी वीडियोस बनाई हैं, ताकि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है पार्ट 10, रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई पार्ट में आने वाले जितने भी MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो हल करने वाले हैं। इसमें देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजों से कब स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ देखिए बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसी तरह से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन दिए मिलेंगे और उसके नीचे आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर समझना है और देखना है कि कौन सा आंसर सही है। जो भी सही आंसर होगा उसी पर आपको क्लिक करना होगा। ये सब समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, भारत अंग्रेजों से कब स्वतंत्र हुआ, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस, हम कब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बताइए बच्चों। शाबाश, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। शाबाश, 15 अगस्त को मनाते हैं, है ना। और 15 अगस्त के साथ ईयर भी है, साल, यानी कि कौन से साल भारत स्वतंत्र हुआ था, बताओ, अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। ऑप्शन ख, 15 अगस्त 1947 को। सेकंड क्वेश्चन है ये कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था, कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनु कहा जाता था, तो ऑप्शन आएगा क। ये वाला क्वेश्चन देखो, रानी लक्ष्मीबाई नाटक के पहले दृश्य में नाना साहब किस पर चढ़कर जा रहे थे। जब पहला दृश्य दिखाया गया था ना, तो उसमें किस पर चढ़कर जा रहे थे, पता है आपको, हाथी पर। हाँ, तो इसका ऑप्शन आएगा ख, हाथी। एक और बात मैं बता देना चाहती हूँ बच्चों आपको, कि आप सबको सबसे पहले ये लेसन अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अगर आप अच्छी तरह से रीड कर लेंगे तो पाठ में जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं वो पाठ में से ही होते हैं। तो अगर आप एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है आपको, और मैंने आपकी सुविधा के लिए अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी हब पर जो है ये लेसन रीड करना समझा भी रखा है, सिखा भी रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम है, अगर आपने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो आपको जरूर आता मिलेगा, बताओ। शाबाश, नाना साहब, नहीं, और राव साहब, दामोदर या मोरोपंत, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा होगा इसमें से। घ, मोरोपंत, वेरी गुड। 5th क्वेश्चन बताइए, नाटक के दूसरे दृश्य में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे। तो बताइए बच्चों कौन सा खेल खेल रहे थे, लुका छिपी, शतरंज, गुड्डे गुड़िया या पकड़म पकड़ाई। हाँ, गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे थे, तो ऑप्शन में आ जाएगा हमारा ग, गुड्डे और गुड़िया। अब 6th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें क्या दे रखा है, ये है कि रानी लक्ष्मीबाई गुड्डे गुड़िया के विवाह में किस पक्ष में शामिल होती हैं, कन्या पक्ष में, वर पक्ष में, अकेली या किसी भी पक्ष से विवाह में शामिल ही नहीं होती। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन घ आएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो गुड़िया गुड़िया के विवाह में किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा घ।
क्यों नहीं हुई थी पता है आपको? क्योंकि बच्चों वो अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा लेना चाहती थी और अस्त्र शस्त्र चलाने सीखने के लिए ही वो जा रही थी, तो वो जल्दबाजी में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुबाई अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा क्यों ले रही थी? देखिए ऑप्शन है हमारा, दूसरों को मारने के लिए, कि अपने देश को स्त्रियों से बचाने के लिए, या पुरुषों से बचने के लिए, या नाना साहब से आगे निकलने के लिए। तो बताइए बच्चों किस लिए ले रही थी? पता है ऑप्शन आएगा ख, अपने देश को स्त्रियों से बचाने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है, मनु की शादी कहाँ हुई? तो मनु की शादी कहाँ हुई थी, देखना ऑप्शन दे रखे हैं, झांसी, ग्वालियर, बूंदी या चित्तौड़। तो बच्चों मनु की शादी झांसी में हुई थी, ऑप्शन आएगा हमारा क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये इसमें क्या पूछा है कि लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम था, लक्ष्मीबाई के बेटे का नाम पूछ रखा है, और ऑप्शन में हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, गंगाधर, मोरोपंत, दामोदर या राव साहब। तो बताइए कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन ग, दामोदर। ये क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे की जिम्मेदारी किसे सौंपी? रानी लक्ष्मीबाई ने किसे सौंपी थी अपने बेटे की जिम्मेदारी, पता है? बताओ, चंपा को? नहीं, सुंदर को? हाँ, लेकिन इससे पहले एक बार सभी ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं करना है बच्चों आपको। ये नहीं कि सुंदर को लिख रखा है तो हाँ सुंदर को, तो एक बार ऑप्शन ज़रूर पढ़ लेना, सैनिकों को या नाना साहब को। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन ख, सुंदर को। 11वां प्रश्न है हमारा, आज स्त्रु सावधान है तुम भी सजग रहना, मैं चलता हूँ, ये कथन किसने किसको कहा? किसने किसको कहे थे ये सब, पता है आपको? नाना साहब ने राव साहब को, या राव साहब ने नाना साहब को, या नाना साहब ने लक्ष्मीबाई को, या राव साहब ने लक्ष्मीबाई को, बताइए। ऑप्शन आएगा हमारा ग, नाना साहब ने लक्ष्मीबाई को कहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे वर वधु गुड्डा गुड़िया स्त्रु मित्र हैं, उसी तरह कृतज्ञ और डैश दे रखा है, तो बताइए क्या आएगा, कृतज्ञता, कृतघ्न या कुर्ती, क्या आएगा पता है? कृतघ्न। तो ऑप्शन है हमारा ग, कृतघ्न। अब 13th जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, क्या पूछा गया है इसमें, कि वीर वीरता, स्त्रु स्त्रुता, मरना मौत, लड़ना लड़ाई, उपरोक्त में वीरता स्त्रुता मौत लड़ाई क्या है, ये पूछा गया है। देखिए दे रखें कि सर्वनाम है या ये क्रिया विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा है या पर्यायवाची है, तो हमें बताना है बच्चों, बताओ क्या है ये, वीरता स्त्रुता मौत लड़ाई, पता है आपको? ये भाववाचक संज्ञा है, तो हमारा ऑप्शन आएगा ग, भाववाचक संज्ञा। 14th क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे हमारे, नौकर चाकर, गुड्डे गुड़िया, प्रीति भौज, इन सब में ये चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह का नाम बताना है, तो बताइए बच्चों इस चिन्ह के नाम को पता है क्या है? हाँ, योजक चिन्ह। यहाँ देखो ऑप्शन भी दे रखा है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कौन सा होता है, जहाँ पर बात
खत्म हो जाती है वहाँ हम विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं, ये विराम चिन्ह है। अल्प विराम क्या होता है पता है, जहाँ पर हमें थोड़े से समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पर हम अल्प विराम लगाते हैं, और अल्प विराम का ये साइन है यानी कि कोमा जिसे बोलते हैं, और ये होता है योजक बच्चों। और विस्मयादी बोधक में आता है इससे से एक डंडा लगाया और नीचे एक बिंदु लगा दी, ये विस्मयादी बोधक चिन्ह होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने में रानी लक्ष्मीबाई की तरह अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जैसे सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा, विजय लक्ष्मी, निम्न में से कौन कौन है। तो ये पूछा गया है कि अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने में जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की तरह अनेक महिलाओं ने भी भाग लिया है, तो इसमें से कौन कौन सी हैं वो। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सरोजनी नायडू है, कस्तूरबा गांधी है, रानी लक्ष्मीबाई है, एनी बेसेंट है, एक है, दो हैं, तीन है, इस तरह से हमें बताना है। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे रखे हैं केवल एक और दो है, यानी कि ये जो है एक और दो, यानी कि सरोजनी नायडू है और कस्तूरबा गांधी, एक दो तीन है, केवल तीन है, यहाँ एक और तीन है, यानी कि एक नंबर पर सरोजनी नायडू और तीन नंबर पर कौन है, रानी लक्ष्मीबाई है, यहाँ उपरोक्त सभी हैं, सारी की सारी हैं, तो हमें बताना है, बताइए आप। उपरोक्त सभी, शाबाश, यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा ख। बच्चों अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही अनेकों महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, तो उसमें सरोजनी नायडू भी आ जाती है, अरुणा आसफ अली भी है, कस्तूरबा भी है और विजय लक्ष्मी भी है, तो आंसर हमारा आएगा घ। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नया चैप्टर यानी कि नया पाठ लेकर आऊँगी, और उसमें आने वाले सभी MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाऊँगी। और बच्चों अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, यानी कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसको खोल कर देखोगे तो मेरी वीडियो मिलेगी। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।